गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 10th क्लास है, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, और हम देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की थ्योरी को हम लोग आपका लेकर चले थे, रेनिन अंसर जो आपका रेनिन थे, हमने उनकी थ्योरी को पढ़ा, राष्ट्रवाद क्या है उस पूरी थ्योरी को समझा। और साथ में हमने ये भी देखा यूरोप में किस तरह से आपका राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, कौन कौन सी चीजें थी, क्या चीजें हो रही थी, उन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के अंतर्गत उनको मेंशन किया और उनको एक एक चीज करके हमने पढ़ा कि आपका किस प्रकार से राजशाही आपका तंत्र व्यवस्था से लोगों को लोकतंत्र व्यवस्था की ओर आपका बढ़ रहे थे, उनके अधिकार, उनके स्वतंत्रताएं, उनकी मूलभूत चीजें, उनके मूलभूत राइट, अब वो स्वयं आपके नीति निर्माता हो रहे थे। और हम लोग आपकी जो क्रांति थी फ्रांस की, वो सब उस जो उनका मेन जो आपका शीर्षक रहा, जो उसका वो आपका सारांश था, जो उनके विचार थे, हमको उन उन सारे विचार हमको उनके कानून में, उनके संविधान में, उनकी स्वतंत्रताओं में हमको दिखाई दे रहे थे। इतना हम लोग कल अपने लेक्चर के माध्यम से उसको पढ़ चुके थे, देख चुके थे। आज हम जो है इससे आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए अगर किसी बच्चों कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज आपको रिवीजन करवानी है, कोई चीज आपका कोई ऐसा प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप बच्चों हम तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का बच्चों, कोई भी बच्चा, चैप्टर से संबंधित अगर कोई डाउट है। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं लेक्चर करने के लिए, हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जब हमारा आपका लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोग आपका इन सब चीजों को बहुत अच्छे से वो आपका देख रहे थे कि किस तरह से नई नई चीजें जो आपकी रचना हुई, किस तरह से आपका बना बेल्जियम में, कैसे ये सब आपका राष्ट्रवाद हुआ, और इन सब चीजों को हम लोग जो था अपने लेक्चर के माध्यम से हम लोग आपका देख पाए। और कल हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, यहाँ तक हम लोग अंतिम कर चुके थे इस लेक्चर का। आज हम जो है बच्चों, इससे आगे आपका बात करने वाले हैं लेक्चर में, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों की क्या कोशिश रही है कि लोगों की एक सामूहिक पहचान हो सके। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को किसी आपके इंडिविजुअल आपके व्यक्ति का हो, किसी जो पार्टिकुलर आपका नागरिक है, जो आपका सिटीजन है उसकी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि विचार भी कैसे थे आपके, सामुदायिक थे। सब समूहों को, सब वर्गों को साथ लेके चलने की जो अवधारणा थी, उस पर आपका बात किया गया, उस पर आपका विचार किया गया। ये सब चीजें जो थी हमको वो आपका देखना थी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखिए। आप थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग अपने लेक्चर में थोड़ा सा आप आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। क्लियर है? देखिए बच्चों, बड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कहानी थोड़ा यूरोप की है, हमारे देश की होती तो बहुत सारी उसकी चीजें हमने कहानी के रूप में बचपन में या किसी से, अपने टीचर से, अपने बड़े से, हमने वो कहानी वो चीजें सुनी होती है। लेकिन ये यूरोप की घटना है, थोड़ी सी हमको अलग लग सकती है और थोड़ा सा हम लोगों को जो पिक्चर बननी चाहिए माइंड में समझने के लिए, उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम लोग पूरी अच्छे से, हम पूरे तरीके से अगर उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो शायद हमें ना आए। क्लियर है? अगर कोई होता तो हम उसका डाउट भी लेंगे। चलिए देखते हैं। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। अब देखिए, जितने भी आपके क्रांतिकारी थे, कहाँ के क्रांतिकारी थे बच्चों, ध्यान देना है आपको, फ्रांसीसी राष्ट्र के, यानी कि जो फ्रांसीसी लोग आपका रिवोल्यूशन कर रहे थे, उन्होंने क्या उम्मीद की थी कि ऐसा नहीं कि केवल हम लोग यूरोप से ही हम लोग आपका निरंकुश शासकों को, सॉरी, फ्रांस से ही हटाएंगे। नहीं, यूरोप यानी कि जो पूरा यूरोप महाद्वीप है, जितने भी उसमें देश हैं, जैसे आपका पोलैंड, होलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मन, फ्रांस, इन सब की बात हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कहा कि जितने भी आपके निरंकुश शासक हैं, उन हमको शासकों से क्या होना है बच्चों, हमको उन शासकों से आपका मुक्त होना है। क्या होना है? मुक्त। उन्होंने ऐसी कोशिश की। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। और क्या कहा कि फ्रांस जो है, यूरोप के जो भी अन्य लोग हैं, अगर वो राष्ट्र को गठन करना चाहते हैं, तो उसमें वो क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचती है, तो मान लीजिए अब जब आपके देश में कुछ होता है,
अगर कोई बड़ा इशू बन जाए तो उसकी जो इम्पैक्ट है, उसकी जो न्यूज़ है, जो अन्य शहर हैं, देश के जो महाद्वीप हैं, उन तक वो न्यूज़ ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है बच्चों? बिल्कुल। अगर यूएस में कोई बड़ी घटना हो जाए, फ्रांस में हो जाए, जर्मन में हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, साउथ अमेरिका किसी कंट्री में हो जाए, आपका इवन कहीं भी हो जाए, तो उसकी जो बड़ी घटना वो हमको न्यूज़ के माध्यम से सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो ऐसी क्या था कि फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। अब देखिए हुआ क्या कि जब फ्रांस में घटना शुरू हुई, वहां फ्रांस में क्रांतिकारी बाकी गतिविधियां वहां से प्रारंभ हुई, तो यूरोप के जितने भी आपके शहर थे, कोई भी देश का, और खास करके जो आपका छात्र था, स्टूडेंट वर्ग, और आपके शिक्षित यानी कि जो आपके पढ़े लिखे वर्ग थे, और पढ़े लिखे में भी आपका मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, ध्यान दीजिए, आपके चीज में आपको बता दूं, किसी भी चीज को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला, नई चीजों को स्वीकार करने वाला जो अगर कोई वर्ग होता है, वो मध्यम वर्ग होता है। आप देखिए, जो आपका गरीब व्यक्ति होगा, उसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे केवल अपने खाने से मतलब है, कि उसको 2 वक्त का भोजन मिल जाए और सोने के लिए अच्छे से नींद आ जाए, उसे तो केवल ये चाहिए। जो गरीब व्यक्ति है, उसे ना राश से मतलब होता है, उसे केवल अपनी भूख से मतलब होता है। एक वो व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, तो उसे केवल क्या चाहिए बच्चों? जो अमीर व्यक्ति है, उस अमीर व्यक्ति को केवल अपना लाभ चाहिए। क्या चाहिए? अपना लाभ चाहिए। क्लियर है? उस लाभ के लिए उसे जो करना पड़े, जिस तरह से भी करे, वो अपने प्रॉफिट पर ध्यान देगा। उसे राष्ट्र में, उसे लोगों को शोषण करने में उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी भी नई नई चीजें आती हैं, जितनी मॉडर्नाइज चीजें आती हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, वो हमेशा मध्यम वर्ग में होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जितने भी अधिकतर आपके बदलाव हुए हैं, नई चीजों को स्वीकार किया है, नई चीजों को एक्सेप्ट किया है, वो मध्यम वर्ग ने, आपका मिडिल क्लास ने हमेशा एक्सेप्ट किया। अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने पड़े। देखिए, वहां क्लब बनते हैं, हमारे यहाँ पार्टी बोल देते हैं, वहां क्लब बोल देते हैं, अलग अलग नाम रख देते हैं। तो जैकोबिन क्लब, क्लब का मतलब था कि हमको अपने देश के लिए, अपने हितों के लिए, अपने संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता के लिए, हम लोगों को एक मंच तैयार करना है। ठीक। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुस पाई। और इन सब चीजों से क्या हुआ कि जितनी भी ये एक्टिविटी हुई थी, इन आपका एक्टिविटी से क्या हुआ कि जो आपकी फ्रेंच, जो आपकी सेना थी, जो फ्रेंच डिफेंस थी, उसका रास्ता तैयार हो गया। और फिर क्या हुआ कि 1790 के दशक में क्या हुआ कि जो आपके देश है, हॉलैंड है, बेल्जियम है और आपका स्विट्जरलैंड है, इन सब बड़े देशों में जो है उनकी सेना वो आपके एंटर कर पाए। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। अब क्या हुआ, जो फ्रांसीसी आपके सेनाएं थी वो क्या कर रही थी, जो राष्ट्रवाद का विचार था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आप समझिए, ये राष्ट्रवाद का जो आपका थ्योरी था, जो विचार था, उसको क्या कर रही थी, विदेशों में ले जा रही थी। आप देखिए, अगर आपको किसी देश का नक्शा बदलना हो, किसी देश का प्रगति करनी हो, तो आप उसके विचारों को बदलिए। क्या बदलना है? उसके विचारों को बदलिए। उस विचार मतलब सोच, जैसे आप ही हैं, अगर आप अपनी सोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है, तो ऑब्वियस है बच्चों, आप अपने क्षेत्र में, अपने जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या आपका जो काम है पढ़ना, आप उसमें बहुत कुशल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज ही आज आपने अच्छा विचार लिया तो आप सुबह या आप मॉर्निंग में बहुत अच्छा कुशल होंगे, नहीं, बहुत लंबा आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे आपके फ्रांसीसी आपका सेना कर रही है, कि कितने लंबे समय से लेके अपना राष्ट्रवाद को लेके चल रही है, अब उनको फाइनली मिला और वो मैसेज वो सारे विश्व में पहुंचा रही है। क्लियर है? देखिए भाई, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपका बीच बीच में गोल करता रहता हूँ, ठीक है, और आयत के रूप में आपका जो है आपका चित्त बनाता रहता हूँ, ताकि मैं कहूँ कि जितना हम लोग अभी पढ़े हैं, ये की पॉइंट है, हमको ध्यान रखना है, ये क्या है, आपका की पॉइंट, इसलिए मैं इनको गोल करता हूँ, ताकि मेरी
मैं इनको बार बार ना बोल पाऊं, तो कम से कम आप उनको ध्यान रहे कि इस पर इस प्रकार से इसका इन्फ्लुएंस है पूरे चैप्टर का। क्लियर है? इतना हम लोगों को समझ आया कि क्या काम कर रही थी, कि फ्रांस सेना है राष्ट्रवाद के विचार को विदेश ले जाने लगी, यानी कि अपने देश से निकालकर दूसरे देश की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वह उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। देखिए, नेपोलियन को आप समझिए, नेपोलियन को यूरोप का शिल्पीकार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शिल्पीकार। शिल्पीकार का मतलब होता है उसको बनाने वाला। आज जो आप जिस यूरोप की आप बात करते हैं, जिस आप यूरोप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ है। हम नेपोलियन की कभी एक डॉक्यूमेंट्री लेंगे और आपको स्पेशल पढ़ाएंगे कि यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद डेवलप हुआ और नेपोलियन का क्या इम्पैक्ट था और नेपोलियन था कौन। ये छोटी छोटी थ्योरियों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देखेंगे। क्लियर है? देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। और देखिए, उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म लाया, ऐसे चेंजेस लाया। और नेपोलियन कहां लेके आया था? जो क्षेत्र वो उसके नियंत्रण में था, ठीक है, फ्रांस में पहले की ही आरंभ हो चुके थे। अब आप समझ रहे हैं कि जितना भी चेंज लेके आ रहा है, वो कहां आरंभ हो गया आपका? पहले ही फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। अब उनने क्या किया था? देखिए, उसने नष्ट किया था, ठीक, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का आपका समावेशन किया। देखिए, लोकतांत्रिक में तो इतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका क्षेत्र था, जो उसका प्रशासनिक जो आपका क्षेत्र था, उस प्रशासनिक क्षेत्र में आप उनको देखेंगे, वो क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेशन किया गया, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तंगर संगत और कुशल बन सके। उसकी क्या कोशिश रही कि जितनी भी हमारा पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम का मतलब जिस तरह से सारी चीजें चलती हैं, उसमें क्या हो सके? तर्क संगत, यानी कि लॉजिकपूर्ण चीजें हो, कुशल हो, यानी कि स्किलफुल वो काम कर सके, ऐसी कोशिश रही थी नेपोलियन की। ठीक है, तो यहां तक जो हमने पढ़ा, किसी को कोई समस्या, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही हो, कोई भी बच्चा आप पूछ सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, 1804 की नागरिक संहिता, वहां कोई नियम बना था 1804 में, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको बच्चों? नेपोलियन की संहिता कब बनी थी? 1804 में, के नाम से हम इसे जानते हैं। ने जन्म के आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, और उन्हें क्या कहा था कि जो जन्म के तुम्हारे राइट्स हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिए थे। अब आपको दोनों चीजें इसमें दिखाई देंगी, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट और उसके नेगेटिव इंपैक्ट। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने क्या किया कि जो कानून है, उस कानून के समक्ष क्या क्या किया आपका बच्चों? बराबरी की बात की। किसकी बात की है आपका? बराबरी की बात की है, ध्यान दीजिए, ठीक, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कि कैसे रहेगी जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी एसेट है, वो क्या रहेगी? सिक्योर रहेगी, ठीक। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया, और जितना कानून बना, नियम बना, इसको कहां फॉलो हो रहा था, कहां लागू हो रहा था? जितना क्षेत्र आपका फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था, उस क्षेत्र में तो आपका लागू कर सकते हैं। देखिए, अब भारत अगर नियम बना सकता है, भारत की संसद जब कोई कानून या नियम बनाती है, तो नियम कहाँ लागू होता है भाई? भारत की जो आपकी सीमा क्षेत्र है, भाई भारतीय सीमाओं के अंदर ही वो नियम लागू होता है ना बच्चों, बाहर थोड़ी ना हो सकता है। तो जो नियम देश के अंदर लागू हो रहा है, तो उसको अंदर ही रखेंगे। तो उसी प्रकार जैसे भारत का कानून विदेश में लागू नहीं हो सकता, तो ऐसे ही उसका भी कहाँ क्षेत्र कहाँ लागू हो रहा था? केवल अपने ही क्षेत्र में। आगे देखिए थोड़ा सा, इसमें आपको और चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी, आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा है। देखिए, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। अब क्या किया? जब डच आपका रिपब्लिक है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मन है, में इसने क्या कर दिया अब आपका नेपोलियन ने, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव
जो आपका डिवीजन था उसको क्या कर दिया आपका, सरल बना दिया, सिंपल कर दिया, जो प्रशासनिक आपका विभाजन था। क्लियर है? सामंती व्यवस्था को आपका खत्म कर दिया। क्या थी आपकी? सामंतवादी व्यवस्था, इसको समाप्त कर दिया। देखिए, हम लोग सामंतवादी व्यवस्था को, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है, ठीक है? आप इसको पढ़ेंगे तो चीजें आपके बहुत अच्छे से आपको पता लगेगा कि सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, आप इसको समझ सकते हैं। और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया, यानी कि जो लोग अपनी जमीन पर नौकर बनकर रह गए थे, गुलाम बनकर रह गए थे, और जागीरदार जो जमींदार थे, जो आपका शुल्क वसूल रहे थे, उससे क्या कर दिया उन्होंने, उसको मुक्ति दिला दी। बताइए, अच्छे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब उसने अपने अंदर सारी चीजें ली हैं तो उसने क्या कर दिया है कि जो लोगों को शोषण करने वाली व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त कर रहा है। और अगर समाप्त कर रहा है तो चीजें अच्छी हो रही हैं, ऑब्वियस बात है। शहरों में भी कारगिरों के श्रेणी संघ के नियंत्रणों को हटा दिया। कह रहे, जो कारगिर थे, जो आपका काम करते थे, कारीगर जो थे आपके काम करने वाले, उन सब में जो आपका नियंत्रण था वो सब उन्हें हटा दिया। यातायात संचार व्यवस्था को सुधारा गया, यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है और आपका जो कम्युनिकेशन, जो आपका सिस्टम है, वो सिस्टम में आपके बहुत सारे चेंजेस लाए। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति में नई नई मिली आजादी चखी। अब लोगों ने क्या काम करा कि जो जो आपके किसानों को, जो आपको फ्रीडम मिली थी, कारीगरों को फ्रीडम मिली, मजदूरों को फ्रीडम मिली, और जो उद्योगपति थे भाई, उनको क्या मिली? नई आजादी मिली। तो उन्होंने उसका टेस्ट लिया कि वाह, इतना अच्छा लग रहा है कि हमको किसी जमीन पर गुलाम बन के काम नहीं करना, हमको जमींदार को टैक्स नहीं चुकाना है, मजदूरों को जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, उद्योगपति से जबरदस्ती कर नहीं वसूला जाएगा। तो उनके लिए तो आजादी आपका जश्न जैसा ही माहौल था कि नहीं था बच्चों? ठीक है, जश्न जैसा ही वो आपका माहौल था, ठीक। अब देखिए, उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, अब देखिए कि जो भी आपके छोटे कामगार हैं वो समझ रहे हैं कि एक समान कानून, मानक भार और तथा नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी की आवागमन में सहूलियत होगी। कह रहे कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड भार कर लें और स्टैंडर्ड माप, जिससे कि बेचने में आसानी रहे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देखेंगे आपको लीटर में मिलेंगी, कुछ आपको केजी में मिलेंगी, कुछ आपको मीटर में मिलेंगी, कुछ आपको सेंटीमीटर में मिलेंगी, कुछ आपको फिट में मिलेंगी। भाई होता है, आप दूध खरीदते हैं तो आप लीटर में लेते हैं ना, नाप के मिलता है ना, तोल के नहीं मिलता ना, है ना? आप अनाज लेते हैं तो आप उसको वेट करा के लेते हैं, कोई माप के थोड़ी लेते हैं। आप कपड़ा लेना चाहते हैं तो आपको ना लीटर में मिलता है, वो किस में मिलता है? नाप में, मीटर, सेंटीमीटर, गज, इस तरह से मिलता है ना कपड़ा। सबका अलग अलग माप है, तो किसकी बात कर रहे हैं? वो स्टैंडर्ड माप कौन कर रहा है? नेपोलियन। और साथ में क्या कहा, ध्यान दीजिए, बड़ी इंपोर्टेंट बात कर रहा है वो, एक राष्ट्रीय मुद्रा, यानी कि देश की, पूरे देश में एक ही मुद्रा चले, एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में क्या हो, सहूलियत। आपको एक एक वस्तु को दूसरे क्षेत्र में भेजना हो तो वहां आपको सुलभता मिले, ये सारी चीजें हो, ऐसा उसकी क्या है, आपकी बच्चों कोशिश थी कि सबको उनको सहूलियत वो आपको प्राप्त करा सके। तो इस प्रकार की चीजें वहां नए नए जो आपके रिफॉर्म थे, वो आपका जो था बच्चों, वो रिफॉर्म आपके हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वो आपका रिफॉर्म, इसमें बात चल रही थी कराने की। कौन करा रहा था बच्चों? जो नेपोलियन के हिस्से में फ्रांस का हिस्सा आया था, ठीक है, उसकी ये सारी बातें थी। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, एक बार छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस वाली इमेज को बड़े अच्छे से देखिए। हिस्ट्री में इमेज का जो है बच्चों,
बहुत बड़ा रोल होता है। के माध्यम से हमको बहुत सारी चीजें वो आपकी समझ आती हैं और जिनको हम लोग वो आपका देखते हैं। तो देखिए, ये इमेज जो आपने देखी है वो इमेज क्या दिखा रही है, क्या बता रही है, इसको हम कल जानेंगे बच्चों। लेकिन आपके पास आपका छोड़े जा रहे हैं कि आप इसको विचार कीजिए, आप इसको देखिए। आज के लेक्चर में आपको क्या मिला, कैसी आपको स्वतंत्रताओं की बात हो रही थी, कैसी समानताओं की बात हो रही थी, कैसे आपका समान कानून की बात हो रही थी, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको नया सीखने का जरूर मौका मिला होगा। और ये सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में भी हैं, ये सब चीजें हमने अपने देश में भी एडॉप्ट की हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैप्टर को अच्छे से रिविजन करके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।